दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे पास अनुभव आते रहते हैं, आज एक और अनुभव प्राप्त हुआ है हमको और भेजने वाले जो हैं वो अपना नाम पता नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि एक खतरनाक लड़ाई से वो गुजरे हैं। इस संबंध में वो अपनी एक कहानी जो है जो उनके जीवन में घटित हुई है उसको बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी किसी तांत्रिक से युद्ध हुआ है उसके बारे में वो इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं जगह और अन्य चीज़ों का विवरण नहीं देना चाहता हूँ। कारण यह है कि यह करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। आप पत्र के माध्यम से जरूर ही समझ सकेंगे। कृपया इसे भी ना दिखाइए, सिर्फ मेरी कहानी लोगों तक पहुँचाइए और सुनाइए ताकि उन्हें इस बात में इस ज्ञान प्राप्त हो सके कि जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से तंत्र मंत्र संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी ज़िंदगी किसी खतरे में होने से पहले ही उसका निवारण हो जाए। और विश्वास और श्रद्धा आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाती है। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। हमारे घर में छोटा सा एक स्थान था जो अपना पूजा घर बोला जाता था। वहाँ पर बैठ करके मैं और मेरी पत्नी और परिवार के बाकी लोग जिसमें मेरे पिताजी शामिल हैं सभी लोग साधना पूजा उपासना वगैरह किया करते थे। हम लोग साधना उपासना में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो इसी प्रकार से, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि जब तक गुरु ना हो तब तक कोई भी साधना उपासना पूरी तरह से नियमावली से नहीं होती है, तो हम लोग यूं ही जैसे रोज़ आरती की जाती है सुबह की और शाम की, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के इसी प्रकार साधना किया करता था। तो हम लोग इसी तरह से अपने जीवन बिताते चल रहे थे। हमारी एक ज़मीन है जो हाईवे पे पड़ती है, उसकी जब वसीयत होनी थी तो वही हमारे जो दादाजी थे वो समाप्त हो गए थे। और चूंकि उनके दो लड़के थे, यानी एक मेरे पिताजी और एक हमारे चाचा जी, तो दोनों लोगों ने ही उस ज़मीन के लिए दावेदारी अपनी अपनी हिसाब से प्रस्तुत कर दी। क्योंकि ज़मीन आधी आधी आनी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज और चीज़ें छोटे चाचा ने हमारी बना ली कि जिसकी वजह से वो ज़मीन को हथियाने के लिए पूरी कोशिश करने लगे। कोर्ट में केस चलने लगा और बाद में उनकी धमकियां भी शुरू हो गई। एक बार वो लोग आ गए और उस वक्त इतनी तीव्रता से लड़ाई हुई कि उन्होंने मेरे पिताजी के कंधे पर डंडा भी मार दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उन्हें जाकर के मैंने 2-3 मुक्के भी मारे थे। लड़ाई झगड़ा और ये पारिवारिक घटना बहुत ही दुखद भरी थी मेरे लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि आपस में ही लड़ाई करें। लेकिन चूंकि ज़मीन लाखों में उसकी कीमत पहुंच गई थी, इस कारण से ये लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात थी। इधर कोर्ट केस चल रहा था और लड़ाई के लिए हम लोगों ने FIR भी दर्ज किया था। तो इस प्रकार से हमें लगने लगा कि धीरे धीरे कि सब चीज़ हमारे ही पक्ष में आ रही है, क्योंकि चाचा और उनके परिवार के लोगों ने जो गलती की थी उसकी सज़ा उनको मिलनी शुरू हो गई थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो अलग ही होगा। और इस बात का पता मुझे हमारी मामी जी से चला। एक दिन मामी जी हमारे यहाँ आई हुई थी और उन्होंने कहा कि पता नहीं तुम लोग जानते भी हो या नहीं, तुम्हारे घर पे बहुत सी बुरी शक्तियों को फेंका जा रहा है। तो इस पर हमारी माता जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा देखा नहीं तुमने, तुम जब कभी झाड़ू लगाती हो तो कई बार हड्डियाँ मिलती हैं, मांस के टुकड़े मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हमें लगता है कि कभी कभार, क्योंकि हमने कुछ पालतू कुत्ते उनको शरण दे रखी है, हो सकता है वो ही उठा के ले आते हों और वो हमारे घर के बाहर जो आंगन होता है उसको वो साफ कर देती थी और उनसे बाहर फेंक देती थी, गेट से बाहर निकाल देती थी। क्योंकि घर की जो चबूतरा है वो काफ़ी बड़ा है और मकान जो है हमारा छोटा सा है, लेकिन उसकी बाउंड्री काफ़ी बड़ी है। तो इस वजह से जब भी हड्डियाँ वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ आती थी तो हम लोग फेंक देते थे। और 3-4 कुत्ते हमारे घर में सदैव रहते थे,
जिनको हमने सुरक्षा के लिए भी पाला था और उनकी वजह से कोई चोर चकारी का कोई समस्या भी नहीं रहती थी। तो मामी ने की कही हुई बात हमारी माता जी को समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है। तो मामी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे जो देवर हैं यानी कि मेरे चाचा, वो कोई तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रहे हैं। ये कुत्तों का काम नहीं है, क्योंकि हमेशा ही आप देखते होंगे कि इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो उनकी बात मेरे को समझ में आ गई और हम लोगों ने सोचा कि हाँ, ये इसका मतलब ये बात सच हो सकती है। तो पता चला कि पासी में एक प्रसिद्ध तांत्रिक है, वो शमशान में जा कर के साधना किया करता है, तो हो सकता है वही जो है इस कार्य को संपादित करता हो। इसकी वजह से हमारे घर में काफ़ी कुछ जो है कलह से रहने भी लगी थी और आर्थिक स्थिति पता नहीं क्यों डामाडोल सी हो रही थी घर में। किसी न किसी बच्चे को या हमारे परिवार में किसी न किसी को किसी न कहीं ना कहीं से चोट लग जाती थी, कोई गिर पड़ता था, कभी फिसल के, कभी बाथरूम में, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि जो तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैंने इस बात को सोचा, समझा और उसके बाद सीधी सीधी बात अपने चाचा से कही कि आप अगर इस तरह का कोई चीज़ कर रहे हैं तो तुरंत रोक दीजिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा, जा, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। मुझे इस बात से क्रोध आ गया। फिर मुझे पता चला कि कौन ऐसा व्यक्ति तांत्रिक है, तो जो जिसके बारे में वर्णन था वही तांत्रिक हो सकता था, और मैं उसकी कुटिया पर चला गया। उससे मिलने गया तो उसने कहा, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे और मेरे जिसने मुझसे काम करवाया उसके बीच की बात है, तुम इसमें बीच में नहीं आ सकते। मैंने कहा, उसने तुमको पैसे दिए हैं ना, तभी तुम ऐसा कर रहे हो। तो वो बड़ा गुस्सा से और बोला कि यहाँ से निकल जा, वरना तुझ पर ऐसी क्रिया करूँगा कि तू जीवित ही नहीं रह पाएगा। मैंने भी उसको जो है चैलेंज कर दिया और कहा कि देखते हैं तुम्हारी इस तंत्र क्रिया में कितना जोर है और इस तरह की जो गंदी हरकत तुम कर रहे हो इससे कितना मुझे नुकसान हो सकता है, मैं भी तो देखूं। और मैं वहां से उसको धमकी देके वे वापस आ गया। शाम को जब मैं घर पहुंचा तभी पता चला पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें जिस बाइक से वो जा रहे थे वो किसी पीछे से गाड़ी ने आकर उन्हें ठोक दिया और जिस वजह से अब उनको काफ़ी खून बह गया और वो अस्पताल में है। मुझे बहुत ही ज़ोर से झटका लगा और मैं अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में मुझे उनके पास थोड़ी दूर पर एक काली सी परछाई दिखाई दी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा कहीं उस तांत्रिक का ही ये सब कुछ किया कराया तो नहीं है। इस कारण से मुझे बड़ा ही ज़ोर से गुस्सा आया और मैं वहाँ से सीधे ये हनुमान जी के मंदिर में एक पुजारी जी रहते हैं, वो मेरी उनसे अच्छी खासी जान पहचान है, उनके पास पहुंचा और उनको सारी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की समस्या हमारे सामने आ रही है और मुझे लगता है वो तांत्रिक कुछ कर रहा है। तभी तक शाम को पता चला कि माँ को बहुत ही ज़ोर से गिरने की वजह से चोट लग गई है और उनका शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया है। फिर हम शाम को जब वापस आए पंडित जी से बात करके, तो फिर माँ को भी एडमिट कराना पड़ा सेम हॉस्पिटल में। उनको भी एडमिट कराया, माँ को पता लगा कि चोट तो लगी ही है, उन्हें पीलिया की बीमारी हो गई है। इस प्रकार दोनों ही हमारे बुजुर्ग यानी कि मेरे पिता और माता दोनों अस्पताल में थे। अब मेरा पारा बहुत चढ़ने वाला था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात पे गुस्से में था। मन तो कर रहा था कि अभी जा कर के उसके उस तांत्रिक के सर पर एक डंडा मार दूँ जाके और अपने चाचा को भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा करने से तो मेरा ही केस बिगड़ेगा, ऐसा कुछ अवश्य करना चाहिए जिनसे ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं। इस बात पर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने कहा, हनुमान जी की साधना है, आप उसको करना चाहेंगे या फिर माँ भगवती की आप आराधना कीजिए और मैं आपको मंत्र बताता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है। तो उन्होंने मेरी राशि के हिसाब से मुझसे कहा कि तुम माँ भगवती की उपासना करो। और फिर उन्होंने एक मंत्र माता का मुझे दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र की उपासना साधना करना और इस प्रयोग को 7 दिन करना, उसके बाद आप नींबू जो है काट करके एक जमीन के अंदर, जगह मैं बताऊंगा, उस जगह जाकर उसको डाल देना और उस व्यक्ति का नाम लाल स्याही से लिख करके उसके साथ में नींबू के साथ में उसी जगह जाकर के गाड़ देना, इससे तुम्हारी सारी समस्याओं का हल होगा। मैंने साधना शुरू कर दी। जिस दिन साधना हो रही थी उसी दिन रात को मुझे सपना आया तो उसमें एक बहुत बड़ा सा एक राक्षस सा था जिसने मेरे सर पर आकर के वार किया
और मैं बुरी तरह घायल हो गया और मैं रात को एकदम डर के उठा, लेकिन मैंने सोचा कि यह तो एक सपना है। तो मुझे कोई विश्वास हो रहा था कि जरूर ये तांत्रिक क्रियाओं का ही असर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने मन को कड़ा करके वो साधना पूरी की और आखिरी दिन उस तांत्रिक का नाम उस लाल कागज पे लाल स्याही से लिखा और साथ ही साथ अपने चाचा का नाम भी। तो दोनों पर्चियां और नींबू काट करके, नींबू खड़ा मैंने काटा था क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि इस मंत्र से जो नींबू काटना वो जिस तरह नींबू कटता है उस तरह ना काट के जिस तरह खड़ा नींबू कटता है उसी तरह का नींबू काटना है आपको। तो वो नींबू हम लोगों ने काटा और दोनों कागज मिला दिए, एक लाल पोटली में उसको बंद किया और शमशान में जिस जगह जमीन पर उन्होंने गाड़ने को कहा था मैंने चुपचाप गया और रात को गाड़ने के लिए जब मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया था और फिर मैंने जाके उसको गाड़ दिया। मैं थोड़ी दूर आगे ही बढ़ा था तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई और मेरे नाम से जिसने मुझे पुकारा। पर ये मेरी समझदारी ही है या यूँ कहिए कि मेरा भाग्य है कि पंडित जी ने मुझे इस बात से पहले ही बता दिया था कि अगर कभी किसी भी साधना में कोई व्यक्ति पीछे से आपको आवाज़ देता है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तो मैं आगे चलता चला गया। फिर एक बार दोबारा से उसकी आवाज़ आई और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। मन तो कर रहा था कि मैं मुड़ के पीछे देखूं, लेकिन मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और मैं तेज़ी से भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और हाँफते हाँफते अपने घर के दरवाजे में पहुंचा ही था। तब तक जो मेरी बीवी है उसने फ़ोन करके बताया कि आज मम्मी और पापा दोनों को डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कल सुबह उनको डिस्चार्ज करा लिया जाएगा और आज तो रात हो, इतनी रात हो चुकी है। तो मैं फिर जा कर के सो गया और फिर मेरी पत्नी मेरे बगल में आकर के लेट गई। मैंने उससे पूछा कि मम्मी पापा को किस प्रकार से डिस्चार्ज करेंगे, तो वो मेरी मुंह ताकने लगी और मुझसे कहने लगी मैंने कब कहा कि उन्हें डिस्चार्ज कराना है। मैंने कहा अभी तो तुमने दरवाजे पर जब मैं पहुंचा था तो तुमने कहा डिस्चार्ज कराना है, तो फिर वो कौन था? मेरे को ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि वो लड़की कौन थी। गुरु जी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि अगर वो मेरी पत्नी नहीं थी तो वो कौन था। इसके बाद फिर हम लोग सुबह जब वहाँ पहुँचे तो वही चीज़ घटित हुई जो उस रात उस लड़की ने यानी मेरी पत्नी के रूप में जो स्त्री मुझे नज़र आई थी उसने कहा था। सुबह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पिताजी भी पूरी तरह से ठीक हैं और माताजी भी पूरी तरह से, उनका भी रोग नष्ट हो चुका है उनका भी। तो मैं दोनों लोगों को घर लेकर आ गया। इधर शाम तक लगभग 4 बजे के करीब वकील साहब का भी फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा आप मुकदमा जीत गए हैं और आपकी ज़मीन आपकी हो चुकी है, मुझे जो है एक मिठाई का जो है पैकेट भिजवा दीजिए क्योंकि मैंने आपको केस जितवा दिया है। तो हमने भी घुसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल वकील साहब, मैं आपको इसका तुरंत ही आपको आपका मेहनताना का रुपये जो है वो उसके साथ में मिठाई का पैकेट भी अवश्य ही आपके पास भिजवाऊँगा। तो सोचने वाली बात यह है गुरुजी कि ये सारी चीज़ें उस मंत्र की साधना से संपन्न हुई। माँ भगवती का एक प्रकार से आशीर्वाद समझिए कि उनकी उपासना केवल 7 दिन की जो पंडित जी ने मुझे बताई थी उससे ये सारे कार्य संपन्न हो गए और मैं उस तांत्रिक को भी जीत चुका और साथ ही साथ अपने चाचा को भी। अब आपको वो बताता हूँ जो अजीब सी है, उस तांत्रिक को लकवा मार गया है और हमारे चाचा जी अब कम ही किसी से बोलते हैं। पता नहीं उन्हें किस तरह का सांप सूंघ गया है, वो बहुत ही कम किसी से बात करते हैं, बिल्कुल गुमसुम से और चुपचाप रहते हैं। हालांकि मुझे इस बात पर दुख होता है कि मैंने या मेरे तंत्र की वजह से ही शायद ऐसा हुआ है। तो गुरुजी लेकिन इन सब बातों में आज तक मैं वो नहीं समझ पाया कि वो स्त्री आखिर कौन थी। आप उसके बारे में जरूर बताइएगा। आपके चैनल धर्म रहस्य का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके माध्यम से लोग आशान्वित हो रहे हैं साथ ही साथ भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में इस समय भक्ति का क्षेत्र लोग पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। तो ये था देखिए इनका अनुभव, इन्होंने बताया किस तरह से तंत्र का प्रयोग तंत्र से किया गया और माँ की भक्ति से। देखिए तंत्र से बड़ी शक्ति भक्ति की शक्ति है और जब भक्ति तंत्र किया जाता है तो वो सर्वोच्च होता है, इसीलिए भक्ति तंत्र को अपनाना चाहिए और माँ की या पराशक्ति की या अपने इष्ट की भक्ति सदैव करना चाहिए जिससे आपके ऊपर कभी भी तंत्र प्रयोग कभी भी जो है कोई असर ना डाल पाए और आप अपने जीवन में कामयाब हो पाए। रही बात आपकी कि आपने पूछा कि वो स्त्री कौन थी, तो वो माँ की कोई शक्ति हो सकती है,
कोई योगिनी हो सकती है, कोई चमत्कारिक शक्ति हो सकती है। माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं, उनके भिन्न भिन्न अवतार हैं, उनके बारे में हम क्या वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक समझ में आता है कि कोई योगिनी शक्ति हो सकती है माँ की, जो आपकी सहायता के लिए वहाँ उपस्थित थी और आपको आशीर्वाद देने आई थी क्योंकि आपने साधना संपन्न कर ली थी। ये आपने बहुत अच्छा किया, आप पलट के पीछे नहीं देखे। अगर आप पलट के पीछे देख लेते तो आपकी सारी साधना भंग हो जाती। तो ये था अनुभव कि किस प्रकार से जो तांत्रिक क्रियाओं हैं उनसे भक्ति मार्ग की जो पूजा है वो हमेशा बड़ी होती है और सदैव विजय दिलाती है। इसीलिए आपको सदैव अपने इष्ट की आराधना, अपने गुरु मंत्र की साधना करते रहना चाहिए ताकि जीवन में आप किसी भी क्षण किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर सकें और कभी भी कोई जो बुरी शक्ति है आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।